चैनल मोनेटाइज होने के चक्कर में डीमोनेटाइज हो गया। जी हाँ, साइड में आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जो पेज दिख रहा होगा इस पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि योर चैनल, ठीक है, क्या है लिखा हुआ है एक मिनट में चेक करके एक बार बता देता हूँ। थोड़ा पेन ले लेते हैं अपनी। इसमें लिखा हुआ है कि योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न, मतलब आप इस चैनल से आप पैसा नहीं कमा सकते। अब ये क्या दिक्कत है, कैसे आई है और इसका क्या सोल्यूशन है, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, एंड इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके चैनल पर आती है तो आपको करना क्या होता है, उसका सोल्यूशन चाहिए। अब सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आया क्यों है, किसकी वजह से ये आया है। तो देखिए भाई साहब, ये आने का कारण आपका रहा है आपका वॉच टाइम। सपोज कीजिए आपका फ्रेश चैनल, बिल्कुल फ्रेश चैनल था, और फ्रेश चैनल में आपने क्या किया, पहले 1000 सब्सक्राइब करे, ठीक है, 1000 सब्सक्राइब करे, एंड देन उसके बाद में 4000 यानी कि 4K 4000 घंटे की वॉचिंग टाइम करा ली। अब ये जो दोनों चीज आपने कराई है ना, ये भाई साहब किसी आपने प्रोवाइडर से कराई है। प्रोवाइडर का मतलब जो वॉच टाइम बढ़ाते हैं, उनसे आपने इस काम को कराया है, और कराने के बाद में प्रोवाइडर क्या करते हैं, भाई साहब 40 व्यूज आए वीडियो पे और वॉच टाइम आया 1000 का। कैसे पॉसिबल है कि 40 व्यूज पर 1000 घंटे का वॉच टाइम? तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, करवा लेते हैं, देन उसके बाद में आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है कंप्लीट। मतलब कंप्लीट का मतलब क्या है कि जब यूट्यूब जो पॉलिसी है उसके अंडर क्या क्या, 1000 सब्सक्राइब आते हैं, 4000 घंटे की वॉचिंग टाइम आती है, आप उसके बाद में आप अप्लाई करते हो, और अप्लाई करते हो तो भाई साहब आप वहां पर पकड़े जाते हो, एंड पकड़े जाने के बाद में तो भाई साहब ये देखा जाता है कि यार इतने कम व्यूज पे इतना वॉच टाइम, तो भाई साहब वहां का जो एल्गोरिदम यूट्यूब का जो सिस्टम होता है ना पूरा, वो आपको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, देन उसके बाद में आपके सामने ये चीज आ जाती है, योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न। अब भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही अभी फिलहाल के लिए हो सकता है। देन अगर आपका भी फ्रेश चैनल था ना, पहली बार ही मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और पहली बार भी ऐसा लिखा आ गया, तो उनके लिए एक सोल्यूशन है। एंड देन अगर किसी का मोनेटाइज चैनल था एंड मोनेटाइजेशन के बाद में कुछ ऐसा लिखा आया है, तो वो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करे कि मेरा मोनेटाइज था, देन इसके बाद में ये आया है, उसका सोल्यूशन मैं उसको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, आप मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए क्या करना है। देन अभी इसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं। तो देखिए इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अभी देखिए इसके साथ साथ जब नीचे आप अर्न वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, यहाँ पर ये देखो ये वाला अर्न, और अर्न वाले ऑप्शन में जाने के बाद में थोड़ा नीचे जाएंगे, अब थोड़ा नीचे जाने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन एक नया दिखाई देगा। अब ये क्या है, ये है स्टार्ट अपील। अब आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो था वॉच टाइम, मेरे सब्सक्राइब जो थे वो बिल्कुल रियल थे, यूट्यूब ने सही से चेक नहीं किया है, मेरी वीडियो वायरल होके मेरा वॉच टाइम आया था, मैंने कोई किसी से कुछ नहीं बढ़वाया था, तो आपको करना क्या है, ये स्टार्ट अपील है। अभी स्टार्ट अपील पे क्लिक करने के बाद में क्या करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक वीडियो बनानी है। स्टार्ट अपील का मतलब होता है आप अपनी जैसे जो भी लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में वीडियो बनाइए, और उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट अपील कीजिए। और दूसरी बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना, स्टार्ट अपील का मतलब है कि आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी तरीके से फेस दिखा के फेस टू फेस उस वीडियो में बोलिए कि हेलो यूट्यूब टीम, मैंने अपने चैनल पर कोई गलती नहीं की है, मेरा वॉच टाइम, मेरे सब्सक्राइब, मेरे सब जेन्युइन है, मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो इसीलिए मेरा वॉच टाइम आया, आप एक बार फिर से चेक करें, मेरे चैनल में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने ये जो लिख के भेजा है डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण कर दिया है, तो एक बार फिर से चेक करें, मेरे चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ इस प्रकार की क्लिप बोले। एंड देन आप भाई बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, तो यूट्यूब पे वीडियो देख के भी आप यहाँ पर क्या है स्टार्ट अपील कर सकते हैं। स्टार्ट अपील करने के बाद में जो भी वीडियो आपकी वो होगी ना, वो अनलिस्टेड करके आपको रखनी है, पब्लिक नहीं करनी है। पब्लिक का तो मतलब ये होगी कि सब देख सकते हो उस वीडियो को, लेकिन अनलिस्टेड में सिर्फ हमें यूट्यूब यूट्यूब को दिखानी है,
एंड यहाँ पर जब वो आप उस वीडियो को अपलोड करोगे ना, अपलोड करने के बाद में अनलिस्टेड करके उस वीडियो को आपको लिंक निकालना है। लिंक निकालने के बाद में स्टार्ट अपील पर क्लिक करने के बाद में आपको एक लिंक मांगा जाएगा और वो लिंक आपको उस वीडियो का देना है और उसके बाद में देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यूट्यूब टीम आपके चैनल को दोबारा से चेक करेगी एंड देन अगर आप एकदम सही हैं, आपका सब चीज़ जेन्युइन है, तो आपका यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कर देगा। 1% चांसेस होते हैं। बहुत सारे आज मेरे सामने केसेस आए हैं, काफ़ी समय पहले भी और अभी भी आते रहते हैं। तो सिर्फ कभी कभी जो रियल में ही जेन्युइन काम होता है उसी का मोनेटाइजेशन होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, तो कहना ये चाहूँगा कि आप प्रोवाइडर के चक्कर में आके 4,000 घंटे करवा लेते हो, पैसा भी अपना 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो कोई भी फायदा नहीं मिलता। तो देन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके पहले खुद से मेहनत करें। प्रोवाइडर का सहारा तब ले जब आपका 1,000 या 500 घंटे का वॉचिंग टाइम बचा हुआ है, तब आप उसका कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन पहली वीडियो 10-12 वीडियो पे वॉच टाइम करा लिया एंड भेज दिया। ऐसा नहीं करना, खुद को पहले यार 4-5 महीने मेहनत तो करो। ये तो पता होना चाहिए कि मेहनत क्या चीज होती है। फ्री में लेने के चक्कर में साहब चाहते हैं कि हमें ऐसे मिल जाए बिल्कुल थाली में परोसे लड्डू, आपको नहीं मिलने वाले हैं भाई साहब। और सही बात बता रहा हूँ, सही मायने में ये ऐसे लोग होते हैं कि हमें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब लड्डू तो एक ही हाथों में मिलेंगे। ठीक है, एक ही हाथों में मिलेंगे। और मजेदार इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।